हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिप्टोटेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुछ ऐसा कॉइन के बारे जो कॉइन इस तरह से गिर रहा था हम लोगों को डर लगने लगा था क्योंकि वो सारा कॉइन के इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ ऐसा कॉइन है जिस कॉइन के अंदर बिटकॉइन के अंदर करीब 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके करीब 9 लाख महीनों में जिस तरह से गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, अच्छा काफी बड़ा बड़ा कॉइन के अंदर जिस तरह से गिरावट हम लोग देखे थे, बट आज के डेट में कुछ ऐसा ही रिकवर भी कर रहा है कुछ ऐसा कॉइन कॉइन के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए। तो वो कौन सा कॉइन है और आपका जो पोर्टफोलियो है क्या वो पोर्टफोलियो ग्रीन में जा रहा है, क्या आपका जो पोर्टफोलियो है अभी के टाइम में रेड में जा रहा है? तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मेरा पोर्टफोलियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप पोर्टफोलियो देखिएगा तो उस टाइम में पोर्टफोलियो के अंदर सारा कॉइन के अंदर आपको ग्रीन ही ग्रीन दिखने को मिले। तो भाई, कुछ इन्वेस्टमेंट का भी ट्रिक होता है, इन्वेस्टमेंट आप कैसे करिएगा, कौन सा कॉइन के ऊपर करिएगा, तभी ना आपको प्रॉफिट मिल सकता है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, फुल डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर कुछ इस तरह का टेक वीडियो, क्रिएटर विज वीडियो, साथ ही साथ क्रिप्टो वर्सेस वीडियो में डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ साथ शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप पूछिएगा कि सिया कॉइन में आपका इन्वेस्टमेंट है या नहीं, तो जो लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और आपका नेटवर्क में है, आप उनसे पूछिए कि सिया कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, वो बोलेगा हाँ कि सिया कॉइन में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। आप अगर पूछिएगा कार्डानो में इन्वेस्टमेंट है, वो भी बोलेगा हाँ कार्डानो में भी इन्वेस्टमेंट। तो कुछ ऐसा कॉइन है जिस कॉइन अच्छा खासा प्राइस रिकवर कर रहा है आज के डेट में। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिस तरह से हम लोग गिरावट देखे थे, लूना कॉइन आप लोग जानते हैं, लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया लूना कॉइन। आप सोच रहे हैं कि आपका 500 रुपए इन्वेस्टमेंट है, चलो गया तो क्या हुआ, बट इस तरह का इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ। आप करते होंगे बट इस तरह का इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करता हूँ। फ्रेंड, जिस टाइम में लूना कॉइन गिर रहा था उस टाइम में मेरा एक फ्रेंड गिरते समय कंटिन्यू उसमें ट्रेड किया जा रहा है, मतलब बाय कर रहा है, कभी सेल कर रहा है, कभी बाय कर रहा है। पर आज के डेट में अगर आप देखिएगा उसका करीब लूना कॉइन के अंदर करीब 10,000 रुपए लॉक हो चुके हैं। मतलब अभी के टाइम में प्राइस आप जानते होंगे $1 से भी नीचे है, अगर $1 में बता रहा हूँ, ₹1 से भी डाउन ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम में लूना कॉइन। और बहुत सारा वॉलेट के अंदर अगर आप कॉइन DCX का बात करिएगा तो उसके अंदर ऑलरेडी लॉक है लूना कॉइन। तो इस टाइम में अगर आप कुछ इस तरह से इन्वेस्टमेंट करिएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट टोटली आपका पर्सनल मैटर है और साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते समय आपको कुछ रिसर्च करना होगा, कौन सा कॉइन आप चूज कर रहे हैं, कॉइन का डेवलपर कौन है यार, कॉइन का अपडेट क्या है या अगले दिनों में क्या अपडेट लाएगा वो कॉइन। तो कुछ सारा रिसर्च के बाद ही आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी में किसी का बातों में आकर कभी भी इन्वेस्ट ना करें, सोच के समझ के क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप क्रिप्टो इन्वेस्टर को पूछते हैं कि सिया कॉइन में या सिवा इनू या कार्डानो या BTC या इथेरियम में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो बहुत ही ज्यादा परसेंट इसमें हाँ कहेगा क्योंकि ये सारा कॉइन बहुत ही अच्छा अपग्रेडेड कॉइन है, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। फिर सिया कॉइन, सिवा इनू, कार्डानो, BTC एंड इथेरियम, मतलब बिटकॉइन जिसको किंग ऑफ कॉइन कहा जाता है क्रिप्टो मार्केट का, तो फ्रेंड्स अच्छा खासा रिकवर कर रहा है आज के डेट में। फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सारा अपडेट आपको दूंगा। सबसे पहले मैं इथेरियम में चले आता हूँ। फ्रेंड्स, इथेरियम का अगर आप एक महीने का चार्ट देखिएगा तो आपको यहाँ पे हरा हरा ही दिखेगा। फ्रेंड्स, ये एक अच्छा पोर्टफोलियो के लिए बहुत ही अच्छा एक कॉइन है। इस कॉइन का प्राइस ज़्यादा हो सकता है, आप सोच रहे कि जितना छोटा हो सके या जितना मीम हो सके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, तो इस तरह का अगर वन साइड सोच बहुत गलत है। आप सोच रहे कि बड़ा कॉइन है ये प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो ये आपका एक गलत सोच हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप 1 month का चार्ट देखिएगा इथेरियम का, तो अच्छा खासा तेज़ी आपको दिखने को मिलेगा इथेरियम के अंदर। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बिटकॉइन, इसको किंग ऑफ कॉइन कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी के सबसे टॉप कॉइन। अगर आप 1 month का चार्ट देखिएगा बहुत ही अच्छा खासा रिकवर आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आया था, टेस्ला आप लोग जरूर जानते हैं, एलन मस्क का कंपनी टेस्ला ने करीब बहुत टेस्ला का इन्वेस्टमेंट था बिटकॉइन के ऊपर, करीब 75% बिटकॉइन को सेल किया, उसके वजह से
मार्केट थोड़ा सा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था बिटकॉइन के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी के टाइम में अगर आप बिटकॉइन का चार्ट देखिएगा तो अच्छा खासा तेज़ी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिटकॉइन में अभी के टाइम में तो बहुत ही सोच समझ कर करिए। आज से कुछ दिन पहले ही मेरा एक बातचीत हो रहा था कि बिटकॉइन के अंदर करीब 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके करीब 9 लाख का प्रॉफिट लिया है। तो आप भी अगर सोचते हैं कि मैं 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूंगा और 9 लाख हमको मिल जाएगा, तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। उसके लिए रिसर्च चाहिए, कौन सा प्राइस में एंटर कर रहा है और कौन सा प्राइस में एग्जिट कर रहा है वो चीज़ मैटर करता है, तभी ना आपको 1.5 लाख के बजाय 9 लाख मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने पहले सबसे ज़्यादा आपको उसके ऊपर रिसर्च करना होगा, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर। फ्रेंड्स अभी बात करेंगे कार्डानो के बारे में। फ्रेंड्स कार्डानो जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले किस तरह से उसके अंदर गिरावट हम लोगों को देखने को मिला था। जिस टाइम में बिटकॉइन को अंदर गिरावट देखने को मिला था, उस टाइम में कार्डानो के अंदर भी बहुत तेज़ी से गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स कार्डानो बहुत अच्छा प्राइस रिकवर कर रहा है अभी के टाइम में। फ्रेंड्स सभी कॉइन के अंदर आपको थोड़ा सा देखना होगा कि बिटकॉइन इथेरियम के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर जा रहा है तो मुझे लगता है वो कॉइन नॉर्मल है। अगर कोई एबनॉर्मल कॉइन रहेगा तो वो बिटकॉइन का पीछे नहीं भागेगा, ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं हमको तुरंत। तो फ्रेंड्स लूना कॉइन के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिला था, काफ़ी लोगों का पैसा डूब गया है। तो अभी के टाइम में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने पहले आपको सोच समझ के करना होगा, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ही आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करें। फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सिवा इनू। फ्रेंड्स बहुत ही फेमस कॉइन है और अभी के टाइम में ऐसा लोग बहुत ही कम होगा जिसका पोर्टफोलियो के अंदर सिवा इनू कॉइन नहीं है। फ्रेंड्स सिवा इनू के अंदर आपको 1000 फिगर देखने को मिला था, अच्छा खासा प्राइस हाई देखने को मिला था, बट फिर से वो डाउनफॉल कर रहा है। बट अगर आप इस टाइम में एंटर कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के एंटर करना होगा। और इसका जो लो वैल्यू अगर आप देखिएगा, अगर आप 1 मंथ का चार्ट निकालिएगा तो आपको यहाँ पे 3 टावर आपको देखने को मिलेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे हाई किस तरह से बनाए आप देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत ही बड़ा छलांग लगा दें सिवा इनू, मैं भी ऐसा चाहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कॉमेंट करके हमको जरूर बताइए। फ्रेंड्स सिवाइनू के अंदर भी अच्छा खासा तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन के साथ ही दौड़ रहा है, इथेरियम के साथ दौड़ रहा है। तो कुछ ऐसा कॉइन में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा जो कॉइन बिटकॉइन इथेरियम के साथ दौड़ता है, मतलब बिटकॉइन इथेरियम के साथ अगर दौड़ेगा तो मार्केट के हिसाब से वो चलेगा। नहीं तो ये मुझे लगता है अगर बिटकॉइन के साथ नहीं दौड़ रहा है या इथेरियम के साथ नहीं दौड़ रहा है तो उस टाइम में कॉइन के अंदर कुछ कमी होगा, तभी नहीं दौड़ रहा है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करें हमको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिया कॉइन। ये भी एक ऐसा कॉइन है, काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ही कम दाम का एक कॉइन है। जिस कॉइन करीब मुझे ये लगता है करीब सभी प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है सिया कॉइन, और इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आपका पानी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स सिया कॉइन के अंदर अगर आप 1 महीने का चार्ट यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा। मैं आप सभी को बताया था कि यहाँ पे बिटकॉइन के साथ सभी कॉइन दौड़ता है, तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी आपको दिखाया मैं 3 लाइन बनाया है, मतलब 3 टावर बनाया है, कुछ इस तरीका यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है। करीब सभी कॉइन जो कॉइन मैं आपको बताया हूँ, सिया कॉइन, सिवा इनू, कार्डानो, बीटीसी एंड इथेरियम, सभी कॉइन के अंदर आपको 3 टावर अभी के टाइम में 1 मंथ का चैट के अंदर आपको शो कर रहा है 3 टावर, मतलब 3 बार हाई लेने का कोशिश किया है। मैं भी इस कारण के वजह से फिर से फॉल कर गया, बट मुझे लगता है ये कॉइन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा अगले टाइम में। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं हमको तुरंत। और मैं आप सभी को बता दिया हूँ ये वीडियो फुल देखा करिएगा, तभी आप कुछ नॉलेज ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड। तो फ्रेंड्स मैं क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड साथ ही साथ टेक वीडियो साथ ही साथ क्रिएटर बेसिस वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्रिप्टो टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम आर ट्रेडिंग वीडियो।